उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की उपस्थिति में शहरी विकास आवास से संबंधित विभागों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने शहरी विकास और आवास से संबंधित राज्य और केंद्र शासित परियोजनाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन होने से उनका लाभ लाभार्थियों को समय पर उपलब्ध होने के साथ ही योजना की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि नहीं होती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। ज्ञानेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की उपस्थिति में शहरी विकास से संबंधित विभागों की गहनता से समीक्षा की, क्या कुछ निकल के सामने आया? ज्ञानेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है ज्ञानेंद्र से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी इसमें मौजूद रहे और सीएम आवास में दरअसल ये बैठक हुई। इस बैठक के अंदर इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की गई। दरअसल बताया भी जा रहा है कि संबंधित विभागों की गहनता से समीक्षा की गई। उन्होंने शहरी विकास और आवास से संबंधित राज्य और केंद्र शासित योजनाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन होने से उसका लाभ लाभार्थियों को समय पर उपलब्ध होने के साथ ही योजनाओं की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि नहीं होती। तो शहरी विकास संबंधित विभागों की समीक्षा हुई और जाहिर तौर पर विभागों की समीक्षा के दौरान ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर कैसे इन विभागों में अभी काम चल रहा है, क्या कुछ प्राथमिकता है। सीएम आवास में ये बैठक हुई है जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो शहरी विकास संबंधित विभागों की ये बैठक हुई। और ज्ञानेंद्र तिवारी एक बार फिर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जानना चाहेंगे सीएम आवास पे बैठक हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? ज्ञानेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी वहां पर उपस्थित रहे सीएम आवास पे, क्योंकि ये बैठक हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक को बुलाया। इसमें एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की गई और तमाम विभागों की समीक्षा की गई। प्राथमिकता में क्या कुछ काम होगा, किस तरह से उन कामों को निपटाना है और कितने वक्त में वो काम खत्म करना है, इसकी भी यहाँ पर चर्चा हुई। चलिए एक बार फिर से ज्ञानेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि एनजीटी ने जारी आदेशों में प्रत्येक जनपद में पर्यावरण से संबंधित एक समिति गठित की जाएगी और जिन राज्यों में गंगा बहती है उन राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पर्यावरण सेल का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी पीने योग्य है और ऋषिकेश से हरिद्वार से आगे जहां तक राज्य की सीमा है वहां तक का पानी नहाने योग्य है। उन्होंने कहा कि का प्रयास कर रही है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले तक पानी शुद्ध बना रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 32 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे जिनमें से 29 बनकर तैयार हो चुके हैं और फंक्शनल हो चुके हैं। आदेश किए थे पहले कि प्रत्येक जो जनपद है वहां पर एक कमेटी होगी
इन्वायरमेंट रिलेटेड और जो गंगा जहाँ बहती है स्टेट्स में, खास तौर पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। पर्यावरण सेल यहाँ गठित हो चुका है कुछ दिनों पहले, और अभी जहाँ तक गंगा में जो वाटर क्वालिटी की स्थिति है कि ऋषिकेश तक का पानी जो है वो गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी ये पीने लायक है, और ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे तक जहाँ तक राज्य की सीमा है वहाँ का पानी नहाने लायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के लिए भारतीय वायुसेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा गौचर में भारी मशीनों को धाम में पहुंचाया जा रहा है। एक दो दिनों में इसके द्वारा जेसीबी मशीन, ट्रक और ट्रैक्टर के पार्ट सहित 10 टन से ज्यादा भारी मशीनें गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ पहुंचाई गई है। बता दें कि गौचर हवाई पट्टी से वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा मशीनों की सप्लाई 30 अक्टूबर यानी कि आज तक जारी रहेगी। हेलीपैड है वहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, जेसीबी आदि के पार्ट्स और ट्रैक्टर्स आदि ले जाए जा रहे हैं, जिससे कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में काफी तेजी आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना के मालवाहक का चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा गौचर से भारी मशीनों को धाम में पहुंचाया जा रहा है। तो एक दो दिनों में इसके द्वारा जेसीबी मशीन, ट्रक और ट्रैक्टर के पार्ट्स भी पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ ही 10 टन और अधिक मशीनें गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। चमोली से ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे तमाम जो सामान है वो पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? हाँ जी, अभी बता दें केदारनाथ में प्रधानमंत्री के तीन प्रोजेक्ट पर जो है लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर हो रहे हैं। आजकल जो है गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ के लिए जो है मशीनें, ट्रक और ट्रैक्टर के पास पार्ट जो है केदारनाथ धाम पहुंचाए जा रहे हैं। जो वायुसेना का तो जो मालवाहक वाहन है चिनूक, उसके माध्यम से जो है लगातार केदारनाथ धाम में जो है मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। आपको बता दें नवंबर के द्वितीय सप्ताह से जो है द्वितीय चरण के विकास कार्य केदारनाथ धाम में होने हैं, जिसके लिए जो है लगातार वहां पे जो है सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। अगर आप डायलिसिस करने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दून अस्पताल में जल्द ही 10 डायलिसिस यूनिट मशीनों के लिए लगाई जा रही है, और ऐसे में बताया भी जा रहा है जिसको कार्य तेजी से किया जा रहा है। एनएचआरएम को और दी जा रही ये एनएचआरएम की तरफ से दी जा रही है 10 मशीनों के लिए दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सियाना ने जगह भी उपलब्ध करा दी है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले दून अस्पताल में सिर्फ 3 डायलिसिस यूनिट थी, जिसके कारण मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ रहा था। देखिए, डायलिसिस यूनिट दून अस्पताल में करीब 2005 से चल रही है, और इसकी शुरुआत भी मैंने की थी। हमारे पास उस समय 1-2 मशीन थी, अभी मशीन हमारे पास 3 मशीन है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन हमारे पेशेंट्स की जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा था बाहर। तो उस चक्कर में उसी वजह से हमने डिमांड की थी कि हमें 10 मशीन, मतलब कुछ मशीनें मिल जाएं। तो एनएचएम के थ्रू हमें 10 मशीन मिल रही हैं, नई मशीनें मिल रही हैं। तो उन 10 मशीनों के लिए हमारे कोई स्पेस की ज़रूरत भी थी, तो वो स्पेस हमारे को प्रिंसिपल साहब ने प्रोवाइड करवा दी है। तो उस पर अभी काम चल रहा है मॉडिफिकेशन का, उसके मेरे को लगता है विद इन अ वीक ये सारा काम हो जाएगा, हमारी नई मशीन इंस्टॉल हो जाएंगी। रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरिया ताल
के आंचल में बसे सारी गांव में भगवती नंदा के आगमन पर पौराणिक बगड़वाल नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। दरअसल जबकि पौराणिक जागरों के माध्यम से देर साय तक भगवती नंदा की महिमा का गुणगान किया गया, जिसमें ग्रामीणों और ध्यानियों ने बढ़ चढ़कर भगवती नंदा का आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को भगवती नंदा सारी गांव से विदा होकर अपने पूजा स्थल मक्को गांव में क्षेत्र के खुशहाली और जगत कल्याण के लिए तपस्यारत हो जाएंगी। दरअसल आज ब्रह्म मेला और ब्रह्म मेला पर पुजारी रामचंद्र भट्ट ने पंचांग पूजन के तहत सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। कल माँ भगवती नंदा डेरा गांव से हमारे गांव सारी में पधारी है और रात के 9 बजे पूरे गांव के लोगों की ओर से, पूरे जो इतने लोग हैं यहां पर उन लोगों की ओर से देवी का जो है वो भव्य रूप से स्वागत किया गया और सर्वप्रथम यहां पर पहले वो जो है वो अर्घ लगा दिया गया और उसके बाद जो है वो श्रृंगार कर दिया गया देवी जी का, और श्रृंगार करने के पश्चात फिर पूरे रात भर और पूरे एक दिन का जो है वो देवी का जो जागरण होता है, नंदा राज जात का जो जागरण होता है, वो जागरण जो है वो देवी के सामने गाया गया है जागरण के द्वारा। और फिर उसके बाद आज का जो दिन का जो कार्यक्रम था वो था बगड़वाल नृत्य का, और बगड़वाल नृत्य जैसे ही हमारा पूरा होगा उसके बाद जो देवी का जो डोली है वो डोली जो है पूरे गाँव में भ्रमण करेगी और कल सुबह ठीक 11:30 बजे यहाँ से देवी विदा होकर के अपने ससुराल मुक्को में मायके लौट। खबर खटीमा से, जहाँ पर कुछ समय से सीमा क्षेत्र खटीमा में कोरोना संक्रमण की अंदर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर अपनी कवायद जारी रखे हुए हैं। खटीमा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने खटीमा से लगे यूपी मझोला बॉर्डर पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है, ताकि सीमांत इलाके में संक्रमण की संभावना को रोका जा सके। ये सरकार का आदेश है कि हर बॉर्डर से जो है 200 सैंपल का कलेक्शन करना है। जो दूरस्थ क्षेत्रों से खटीमा के रहने वाले हैं, जो खटीमा के आसपास के क्षेत्र हैं, उनकी आरटीपीसीआर की जांच हो रही है। वही मसूरी में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर जवानों ने बैंड की धुन पर शहीदों को याद किया और निर्वहन के दौरान राष्ट्र के लिए शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों की याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाएगा। और वहीं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा जो है इसमें पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमारा जो है और 31 तारीख को जो है हमारा राष्ट्र एकता दिवस जो है मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में क्या होता है, एक हफ्ते का हमारा जो है 21 तारीख से 31 तक जो हमारा एक प्रोग्राम जो है पुलिस के द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जो है चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित करवाए जा रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे जो है एक हमारा जो है IRB का जो है 31 PSC का जो है यहाँ पे बैंड आया है, जिसके द्वारा जो है इसमें ये शहीद स्थल जो है मसूरी में जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। इसमें बैंड तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज हेल्पिंग हैंड ऋषिकेश समिति ने कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता, नमामि गंगे परियोजना अध्यक्ष कपिल गुप्ता सहित तमाम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, पुलिसकर्मी भाइयों को और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और उसमें कुछ लोगों के द्वारा जो काम किया गया, और मैं कह सकता हूँ कि इस महामारी में हमारे बहुत से लोगों का बहुत अहम योगदान रहा। ऐसे तमाम उन कोरोना वॉरियर्स का यह सम्मान समारोह हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा किया गया। मैं सम्मानित होने वाले तमाम बुजुर्गों को बहुत बधाई दे रहा हूं और हेल्पिंग हैंड को धन्यवाद कर रहा हूं। निश्चित रूप से इसे बड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है और शाबाशी उनको मिलती है, अच्छा भी लगता है, संदेश जाता है, प्रेरणा मिलती है। मैं तमाम कोरोना वॉरियर्स को बहुत बधाई दे रहा हूं।
और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इनके माध्यम से मैंने अपील की, मैं आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि सावधानी ही इसका इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के हमें भी रहना है और साथ में हमें हाथ भी बार बार सैनिटाइज करने हैं। बीमारी की दवाई ना हो, बीमारी से लड़ने के। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।